दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का। ये हमारा टेस्ट नंबर भी 5 है, यानी पांचवा टेस्ट है। चार चैप्टर के टेस्ट हो चुके हैं। अगर आप उनमें शामिल हुए हो तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हुई होगी। अगर आप उनमें शामिल नहीं हुए हो और आप अब से कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप 5th चैप्टर से अपना टेस्ट दे सकते हो। हर सैटरडे हमारा पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट होता है। और तो शुरू करते हैं हम इस पांचवें चैप्टर का टेस्ट, देखते हैं। क्वेश्चन बहुत कम है, सिंपल से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें देख सकते हो। दक्षिण एशिया में शामिल कोई चार देशों के नाम बताने हैं। वैसे शामिल देश हैं 8, लेकिन बताने हैं हमें सिर्फ चार। चार देशों के नाम लिखने हैं, एक नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि किन दो देशों में, कौन से दो देश ऐसे हैं जिनमें आज़ादी के बाद से लोकतंत्र कायम है, यानी सफलतापूर्वक लोकतंत्र कायम है। दो देश हैं, आपको नाम देने ओनली। सैनिक शासन वाला कोई दक्षिण एशियाई देश, यानी सैनिक शासन वाले भी दो देश थे, लेकिन हमको यहाँ पे उन दोनों में से किसी एक का नाम लिख देना है, बस इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 4th पे आते हैं। ये जो तीन क्वेश्चन थे ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब हम बात करेंगे 4th, 5th एंड 6th, यानी ये जो क्वेश्चन है अपने पास ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, दो नंबर के। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थापित ना रह पाने के कारण क्या हैं, कोई दो कारण बताने हैं हमको। अगला है नेपाल में त्रिकोणीय संघर्ष किन के बीच चला। आपको पता है तीन के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष चला था, उसमें से एक तो थे माओवादी, और बाकी दो कौन से हैं आपको वो सर्च करो और आप मुझे लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, साफ्टा का पूरा नाम बताओ। ये जो साफ्टा था इसका पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ साफ्टा, और उसका एक उद्देश्य बताना है, सिर्फ एक उद्देश्य। तो ये हैं 2 नंबर के क्वेश्चन, टू द पॉइंट लिखने, आपको जरा भी घुमाना फिराना नहीं है। 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां, 8वां, 9वां, ये जो 3 क्वेश्चन है ये 4 नंबर के क्वेश्चन, यानी 4 मार्क्स के हैं। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का है। तो पहले मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। श्रीलंका में क्या समस्या है, आपको पता है जो भी समस्या है आप उसको 4 पॉइंट में बता सकते हो। इसके बाद अगला है कि सार्क क्यों असफल रहा। ठीक है, इसको देखो 2 टुकड़ों में करना है, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है इसे लिखने में। मुझे पहले ये लिखना था कि सार्क की स्थापना कब हुई, उसके बाद लिखना था ये क्यों असफल रहा, लेकिन मैंने पहले लिख दिया सार्क क्यों असफल रहा, बाद में लिखा इसकी स्थापना कब हुई। तो आप आंसर लिखते टाइम याद रखना कि सार्क की स्थापना कब हुई, आपको वो लिख देना है, उसके बाद लिख देना कि यह असफल क्यों रहा। 2 से 3 पॉइंट आप इसके बता देना, हो जाएगा। आगे है नेपाल में क्या समस्या थी। नेपाल की समस्या हमको 4 लाइन में लिखनी है, मुश्किल से 4 लाइन बोल रहा हूँ, सॉरी 4 पॉइंट में लिखनी है। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन 6 नंबर का, भारत और पाकिस्तान के विवाद क्यों हैं, या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन से विवाद हैं। एक विवाद तो है जम्मू कश्मीर वाला, ठीक है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर विवाद, बाकी के आप ढूंढो और मुझे लिखकर बताओ इसके आंसर में। दोस्तों, यहीं से मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारा जो हिस्ट्री था, हिस्ट्री की जो हमारी फर्स्ट बुक थी उसमें 4 चैप्टर थे और चारों चैप्टर के टेस्ट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब थोड़े टाइम के लिए हम इन टेस्ट को रोक रहे हैं, हिस्ट्री वाले टेस्ट को, क्योंकि 4th जो लास्ट टेस्ट था उसमें कम बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ज़्यादा ही बिजी हो गए हो। तो थोड़े टाइम रोकते हैं इसको, और जब तक हिस्ट्री का सिलेबस हमारा, ये सेकेंड बुक कम्प्लीट होने वाली है जो मैं बना रहा हूँ, वो कंप्लीट होती है, उसके बाद दोबारा से सेकंड बुक से स्टार्ट कर देंगे, और फिर जब 3rd कंप्लीट हो जाएगी तो 3rd का भी ले लेंगे, तो इस तरीके से चलेंगे। लेकिन पॉलिटिकल का हमारा सारा सिलेबस है, तो हर सैटरडे पॉलिटिकल का टेस्ट होता रहेगा, और आप पॉलिटिकल में टेस्ट जरूर देते रहें। तो यही है दोस्तों, धन्यवाद।